सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास। तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना सबसे पहले इसको, क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सारा, और सारा की फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो ये करेगा क्या सारा, हम डायरेक्ट इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा ये डिजिटली गुड हेल्थ को प्रमोट करेगा, मतलब ये बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो ये आपके हेल्थ के लिए खराब होता है, ये बताएगा कि आप उसे कैसे छोड़े। अच्छी हेल्थ को, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और ये 24 आवर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका नाम है सारा, लॉन्च किया WHO ने, ये AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर है, ये याद रखना। WHO की बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। आपको पता है 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और हेड है टेड्रोस अदानोम। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंसेस, तो ये हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। वैसे इसकी एक थीम भी है, प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। और पहली बार इस दिन को 2020 में मनाया गया था। सिंपल वन लाइन में याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है कब, 5 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना का प्रसार को रोकने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, क्या नाम है उसका। तो आंसर होगा मिथ वर्सेज रियलिटी प्लेटफॉर्म। तो लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज निकल के आती है, जिसमें से कुछ सही भी होती है कुछ गलत भी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये न्यूज सही है या गलत है, आपको पता करना है कि ये फेक न्यूज तो नहीं है, तो उसको रोकने के लिए, उस फेक न्यूज को स्प्रेड, उसके प्रसार को रोकने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या है, मिथ वर्सेज रियलिटी प्लेटफॉर्म है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहली महिलाओं में बात करोगे तो V.S. रमा देवी थी। आपको बताए इसी साल 2 नए हमारे इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त बने हैं, क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इनका नाम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपने देखा होगा, कुछ एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह लॉन्च किए थे, जैसे मैं आपको बताऊँ गरुड़ एप्लीकेशन, सी विजिल एप्लीकेशन, एन कोर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया था, सक्षम ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलेगा, 324 से लेकर 329, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भांग के उपयोग को वैध लीगल बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है। तो फिर आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी, ये भांग जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, कैनेबिस कहते हो, इसको लीगल बनाने वाला, इसको वैध बनाने वाला तीसरा यूरोपीय देश बन गया, या यूं कहूं कि सबसे बड़ा यूरोपीय देश बन गया है। तो इस नए कानून के तहत क्या होगा, अगर किसी की उम्र, किसी बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो ऐसे युवाओं को अब 25 ग्राम सूखा गांजा ले जाने की अनुमति होगी इस नए कानून के अनुसार। और आप अपने अपने घरों में 3 मारीजुआना, कौन से 3 मारीजुआना पौधों की खेती भी कर पाओगे, ये भी आपको अनुमति मिल गई है। अच्छा, ये तीसरा यूरोपीय देश बन गया है भांग को, भांग के उपयोग को वैध करने वाला। इससे पहले 2 कौन से थे, तो पहला बना था माल्टा और दूसरा बना था लग्जमबर्ग। अब तीसरा बन गया है जर्मनी। जर्मनी की स्टैटिक देखेंगे, जर्मनी की कैपिटल, पहले ये देखो जर्मनी, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, और चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्च यहाँ के चांसलर हैं। आपको याद है जर्मनी, ये दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करने वाला देश है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी इसी ने ही लॉन्च की थी, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था। तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने, मतलब इन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बनाया और उसका जो टेम्परेचर है उसको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करा, कितने समय के लिए, 48 सेकंड तक के लिए। और ये जो तापमान है, आप कह सकते हो हमारे जो सूर्य है, हमारा जो नेचुरल सूर्य है, सन है, उसके कोर से 7 गुना ज्यादा है। और इन्होंने जो आर्टिफिशियल सन बनाया उसका नाम क्या रखा, के स्टार उसका नाम रखा है। के स्टार की फुल फॉर्म कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च।
अब साउथ कोरिया वालों ने इतना कर लिया, अब इन्होंने कहा हमारा आगे लक्ष्य क्या है भाई, आप कुछ भी चीज प्राप्त करते हो तो आगे आपके लक्ष्य बढ़ जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि अब 2026 तक हम 300 सेकंड तक ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन करेंगे। अभी 48 सेकंड तक मेंटेन किया, अब 300 सेकंड तक मेंटेन करेंगे, 2026 तक ये अचीवमेंट ये प्राप्त करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। देखो इस डिवाइस में क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसी रिएक्शन से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही सूर्य की तरह ऊर्जा बनाई है, क्योंकि सूर्य में भी, जो हमारा एक्चुअल में सूर्य है, उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही ऊर्जा बनती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे ऊर्जा बनती है, नाभिकीय विखंडन में इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन जो होता है, इसी प्रिंसिपल पे आपको याद होगा जो परमाणु बम होता है वो भी काम करता है, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम-235। तो इतना सा ध्यान रखना, डीप में नहीं जाएंगे। प्रश्न क्या था और उत्तर क्या है, साउथ कोरिया आंसर होगा। अब साउथ कोरिया की स्टैटिक देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा मैप में साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन है, प्रेसिडेंट है यून सुंग योल, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है इसको 38 पैरेलल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। अभी साउथ कोरिया की नई स्पेस एजेंसी बन गई है, उसका नाम क्या है, कासा है। क्या नाम है, कासा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा एक वाहन एक फास्टैग नियम, ये कब से लागू हो चुका है, तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2024 से। क्या कहता है ये नया नियम, ये नया नियम कहता है कि अब एक व्हीकल पर एक से ज्यादा फास्टैग आप नहीं लगा पाओगे, मतलब एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग होगा। आपके पास दो गाड़ियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फास्टैग होंगे, दोनों पे एक फास्टैग का आप यूज नहीं कर पाओगे। फास्टैग आपको पता है भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑपरेट करता है, और टोल पेमेंट जो आपका कट जाता है फास्टैग जब आप लगाते हो, तो ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तभी तो आपकी गाड़ी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे फास्टैग टोल नाका होता है, तो यहाँ पे इनकी मशीन लगी होती है, आपके फास्टैग को स्कैन करता है और आपके पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। देश में फास्टैग स्कीम ये कब शुरू हुआ था, 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा बाल्को बन गई है। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में वेदांता एल्यूमिनियम की एक यूनिट है, एक इकाई है, ये बाल्को। बाल्को का मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो भी ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली, सर्टिफाइड होने वाली, ये पहली भारत की पहली एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है। ASI का मतलब हो गया है एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव, मतलब इसे एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है, पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है, ये इसका मतलब हो गया। और इसे ये सर्टिफिकेट क्यों मिला, तो इसने एल्यूमिनियम मूल्य में स्थिरता रखी है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया है, और जैव विविधता भी इसने कम प्रभाव और जैव विविधता भी इससे कम प्रभावित हो रही है, तो यही सब मुख्य कारण है कि इसको ये सर्टिफिकेट मिला। कौन सा, ASI प्रदर्शन मानक सर्टिफिकेट इसको मिला है, इतना सा याद रखेंगे। बाल्को इसका नाम है, स्थापना होती 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में हर साल 5 अप्रैल को। पहली बार इसे 1964 में मनाया गया था। थीम की बात करें, भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, इंग्लिश में बोलोगे तो नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। क्यों मनाया जाता है इसे दिन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चाहो तो आप रीड कर सकते हो। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस, एक विश्व समुद्री दिवस भी होता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को होता है, तो इस साल 2024 में ये जो विश्व समुद्री दिवस है ये हम 26 सितंबर को मनाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का आप जरूर याद रखें, इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो लंदन UK में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रैंकिंग आई है, उसके अनुसार दुनिया की डोपिंग उल्लंघन करने वाला, दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला सबसे टॉप कंट्री कौन सा रहा है, तो इस मामले में भारत सबसे नंबर वन पर है। यहाँ पे नंबर वन आने के बावजूद हमें शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि ये अच्छी रैंकिंग नहीं है यहाँ पे नंबर वन आना, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2022 में, ये आंकड़े हैं 2022 के, दुनिया में डोपिंग के मामले में जो सबसे ज्यादा संख्या आई है वो भारत में पाई गई है। कितनी बताई इन्होंने, 125 पॉजिटिव सैंपल यहाँ पे पाए गए,
दूसरे स्थान पे रशिया रहा और तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा। क्या मतलब हो गया? मतलब आपको समझ में आता होगा, अगर कोई खिलाड़ी है, अगर वो जीतने के लिए, टॉप आने के लिए कुछ ऐसी दवाइयों का यूज करता है जो कि यहाँ पे प्रतिबंधित है, बैन किया हुआ है, तो उसे कहते हैं डोपिंग। आपकी शक्ति बढ़ा देती है ऐसी दवाइयां जो कि खेल भावनाओं के खिलाफ है। तो बाड़ा की स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके हेड है विटोल्ड बांका। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल में भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा आकाश तीर को। तो अभी 1 अप्रैल 2024 की ही ये बात है, सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि इसका निर्माण किसने किया, किसने बनाया है, तो भेल ने बनाया है। किसने? भेल, BHEL, भेल ने इसका निर्माण किया है। आपको याद होगा भारतीय सेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तकनीकी समावेशन का वर्ष घोषित किया है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। हमारे नए आर्मी चीफ बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनका नाम है। नए नेवल चीफ बन चुके दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका नाम है। और एयर चीफ मार्शल तो वही है, विवेक राम चौधरी। ये दोनों नए बने हैं, तो इनके नाम जरूर से याद रखना, पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर यहाँ पे बात कर लें कि भारतीय सेना दिवस आर्मी डे हम कब मनाते हैं, तो वो 15 जनवरी को मनाते हैं। एयरफोर्स डे ये हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर है ना। और नेवी डे हम नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओस्मान सोनको। अभी कुछ समय पहले ही ये जो सेनेगल देश है यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, बसीरो फे उनका नाम है, और उन्होंने ही इनको यहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओस्मान सोनको इनका नाम है, और इन्होंने किनका स्थान लिया? सिद्दीकी काबा का इन्होंने स्थान लिया है। सेनेगल मैं आपको ले चलता हूँ, तो ये रहा मैप में सेनेगल, अफ्रीकी देश है सेनेगल। और इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? डकार होती है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल में ही विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा राकेश मोहन। तो वर्ल्ड बैंक समूह ने RBI के, ये हमारे पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं राकेश मोहन, और इनको अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की पहले बात करते हैं, इसके स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की भी। और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, प्रेसिडेंट अजय बंगा है, ये नाम याद रखना, भारतीय मूल के हैं, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। और CFO कौन है? अंशुला कांत हैं, ये भी एक भारतीय हैं। अच्छा, कुछ ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। संजय नायर की बात करें तो अभी SOCHM, क्या SOCHM के ये अभी अध्यक्ष बनाए गए थे। और जॉय श्री दास वर्मा, हमने पढ़ा था, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी थी। और शेफाली शरण की बात करें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी थी, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनना। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी ये कहां से लॉन्च की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही इसको IIT बॉम्बे में शुरू किया, लॉन्च किया था कैंसर के इलाज के लिए। हमारी पहली स्वदेशी CAR T-cell थेरेपी है ये, कैंसर के इलाज के लिए ये हमारी पहली स्वदेशी CAR T-cell थेरेपी है, याद रखना, नाम है NexCAR19। यहाँ पे CAR का मतलब हो गया शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और ये भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR T-cell थेरेपी है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो टी सेल हम बोल रहे हैं, ये टी लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, मतलब ये रोग से लड़ने का काम करती है। लेकिन ये जो कैंसर सेल होते हैं उससे ये हार जाती है, तो इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, इनकी संख्या बढ़ा देते हैं। इनकी संख्या बढ़ने से इनकी ताकत बढ़ जाती है, जिससे ये कैंसर जैसे सेल से लड़ सकती है और उसे मार देती है। यही इस थेरेपी में होता है, सिंपल सा, और कुछ नहीं होता। इनकी संख्या हम बढ़ाएंगे तो ये कैंसर सेल से लड़ जाएगी और उसे मार देगी, ये होता है इसमें। और दुनिया में जो दूसरी थेरेपी होती है उनके मुकाबले ये दुनिया की, आप कहोगे, सबसे सस्ती CAR T-cell थेरेपी है।
और इसे इम्यूनोएट के सहयोग से IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने डेवलप किया है, तैयार किया है। अच्छा, कुछ स्टैटिक जरूर याद रखेंगे, जैसे स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ल्यूकेमिया आपने कई बार सुना होगा, क्या ल्यूकेमिया, ये क्या होता है, तो याद रखना ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्या प्रभावित होता है, जो हमारे WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आपने सुना होगा, इसकी पहली वैक्सीन हमने तैयार कर ली है, पहली स्वदेशी वैक्सीन, और उसका नाम क्या है, सर्वावैक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको बनाया है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये होता किससे है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ये होता है। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, इसका हमने सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने DRDO के साथ मिलकर के किया है। ये जो अग्नि प्राइम है, इसकी रेंज की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। दूसरे अग्नि मिसाइलों की तुलना में ये जो अग्नि प्राइम है, इसका वजन भी काफी कम है। वजन कम होने के कारण और इसका एडवांस डिजाइन होने के कारण हम इसे सड़क, रेल के जरिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल जो हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक होते हैं, न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम है। अच्छा, इसी तरह से एक पॉइंट मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा, अभी कुछ समय पहले देश का पहला इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है Agni-5, इसका परीक्षण किया गया था, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और याद रखना, इसका जो हमने परीक्षण किया था, किस मिशन के अंतर्गत किया था, तो आंसर होगा मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया था, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल में ही किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा SJVN। SJVN मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। थोड़ी सी अगर इसकी बात करें तो ये जो SJVN लिमिटेड है, इसको अभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। CIDC का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। कंपनी ने लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार प्राप्त किया है। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1988 में। इसके जो CMD है, उनका नाम गीता कपूर है, और ये हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को संचालित कर रहा है। ये जो नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश, और ये जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है, ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, याद रखना सतलुज नदी पर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है, जिसने 10,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या समझते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब ये प्रदूषण रहित एनर्जी का उत्पादन होता है, और ये एक ऐसी एनर्जी जो कभी समाप्त नहीं होगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे कि विंड एनर्जी जो हवाओं से मिल रही है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, जब तक हवाएं रहेंगी जब तक ये एनर्जी बनती रहेगी। अच्छा, अडानी से एक पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो अडानी ग्रुप है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करेगा, और ये कहाँ पे करेगा, ये गुजरात में करेगा, जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट होगी। गीगा का मतलब होता है 10^9, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आज की रिवीजन वाली क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है, और मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो रिवीजन वाली क्लास है, ये ब्रेक ना हो, डेली आपको मिलती रहे, नए नए सेशन मिलते रहे। जब भी मुझे टाइम नहीं होता, आपको पता है, मैं पुराना वाला कोई भी सेशन रिपीट कर देता हूँ, ताकि बस आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि है क्या, ये रिवीजन वाली क्लास ही तो है, इसमें हम कर क्या रहे, कोई मैं एक भी नया क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अगर किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, तो मैं कोई पुराना वाला वीडियो उठा करके आपको दे देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ये हमारा मकसद है। लेकिन अभी तो डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ, नया का नया वीडियो, नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँ।
और मॉर्निंग में 4 बजे ये क्लास में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन है उसकी भी कोशिश है मेरी कि 6 बजे तक वो अपलोड हो जाए। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग भी अपने सपोर्ट बनाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करने के लिए इन्हें शेयर ज़रूर करें कहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं इतना कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, मैं आपका टेस्ट भी लेकर के आना चाह रहा हूँ, चाहे वो टॉप 50 क्वेश्चन हो या टॉप 100 क्वेश्चन, जैसा भी मुझसे तैयार हो, जिसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा उन वीडियोज़ में, MCQ फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 2 से 5 सेकंड आपको दूंगा, फिर मैं उत्तर बता दूंगा, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो एक लाइव टेस्ट आपका हो जाएगा, आप यूं कह सकते हो। आप अपना स्कोर चेक करेंगे फिर क्या स्कोर आपका रहता है, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना है, आंसर लगाना है 2-5 सेकंड में, क्योंकि मैथ या रीजनिंग तो है नहीं कि इसमें समय दोगे आप। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देख लिए, आ गया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। और मैं कोशिश करना चाह रहा हूं कि हर वीक 1 या 2 इस तरह के वीडियो आ जाएं। जनवरी से लेके अभी तक मैं जितने भी हमने करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े, वहां से ये प्रश्न मैं लेकर के आऊंगा। आप लोग जरूर बताएं, ये जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्या इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, अच्छा लगेगा, तो मैं कोशिश और ज्यादा करूँ कि जल्दी से जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि ये सब आप ही लोगों की बेहतरी के लिए है। चलिए बस आज का सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू।